महाकाल की शरण में क्रिकेटर उमेश यादव भस्मारती में हुए शामिल। बाबा से सुख शांति की कामना। सोमवार को भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव महाकाल मंदिर पहुंचे। वे यहां सुबह 4 बजे होने वाली भस्मारती में शामिल हुए। नंदीहाल में बैठकर शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में VIP का आना लगातार जारी है। यहाँ 1 महीने के भीतर भारतीय टीम के करीब आधा दर्जन खिलाड़ी बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। सोमवार को भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव महाकाल मंदिर पहुंचे। वे यहां सुबह 4 बजे होने वाली भस्मारती में शामिल हुए। नंदीहाल में बैठकर शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। भस्मारती के बाद वे गर्भगृह में पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का जल एवं दूध से अभिषेक किया। मंदिर समिति के नियमानुसार उन्होंने धोती व शॉल पहन रखा था। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि देश दुनिया में सुख शांति बनी रहे। त्रिगुणात्मक स्वरूप में दर्शन देंगे भगवान सिद्धवट। प्रतिवर्ष परंपरा अनुसार इस वर्ष भी 20 मार्च 2023 चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को रात्रि 8 बजे से भगवान सिद्धवट की आरती पूजन के बाद पालकी में भगवान सिद्धवट के त्रिगुणात्मक स्वरूप के मुखौटे में एवं बग्घी में भगवान सिद्धवट का मुख्य मुखौटा सजाकर भगवान के गैर चल समारोह का शुभारंभ होगा। सिद्धवट मंदिर के पुजारी एवं चल समारोह गैर संयोजक पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी ने चल समारोह की जानकारी देते हुए बताया कि चल समारोह गैर सिद्धनाथ से प्रारंभ होकर महेंद्र मार्ग मानक चौक पुराना नाका मेन रोड भैरवगढ़ गणेश मंदिर जेल चौराहा ब्रजपुरा राम मंदिर होती हुई संपूर्ण वैरवगढ़ क्षेत्र में घूमकर पुनः सिद्धवट मंदिर पर पहुंचेगा, जहां प्रसाद वितरण के बाद चल समारोह का समापन होगा।